हेलो यस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 18 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लियोस। Sunlight, Ace of Challenges, The Lovers, Six of Challenges, and the oldest one. Okay. तो sunlight का कार्ड है यहाँ पे। लगता है जैसे कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस person के आने से आपके जीवन में रोशनी वापस आ जाएगी या सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको काफ़ी एफर्ट करता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे। आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप में दोबारा से रोमांस लाने के लिए। ऐसा लग रहा है आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे। बिगेस्ट एस ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपसे कोई गलती हुई है एंड आपको उसे करेक्ट करना चाहिए, या आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए, या आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हुआ क्या है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने बस यूं ही आपसे दूरी बना ली हो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन को दिए हुए, बिना किसी कारण के होते हुए। एंड अब मुझे आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि इस पर्सन को अपनी याद कैसे लाएं या दोबारा इन्हें कैसे वापस लाएं, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि ये बॉन्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप दोनों के बीच हर लेवल पे कंपैटिबिलिटी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पर्सन क्या सुनना चाहता है, ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा रोमांस मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा हो। तो द लवर्स के साथ कंपैटिबिलिटी तो अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें भी परफेक्ट ही नज़र आ रही है। बट ये पर्सन काफ़ी इमैच्योर हो सकता है, ये पर्सन काफ़ी इग्नोरेंट हो सकता है उन बातों को लेके जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में लेके आगे ले जाने के लिए किसी भी रिलेशनशिप को। एंड हमारे पास है सिक्स ऑफ चैलेंजेस। सिक्स ऑफ चैलेंजेस के साथ शायद आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं और अकेला भी। आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया हो और अब कहीं आसपास है भी नहीं, आपकी परवाह भी नहीं होने, और आप अकेले ही अपने इस गम से डील कर रहे हैं। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आप अगर इस कार्ड को केयरफुली देखें तो यहाँ बेस में बहुत सारे वॉल्व्स हैं, और ये जो वॉल्व्स हैं ये आसपास के उन लोगों को दर्शाते हैं जो शायद इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते, इस द लवर्स के जोड़े को पसंद नहीं करते। ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रियल नहीं है, और वक्त के साथ ये जो सारी फीलिंग्स है वो फेड हो जाएंगी या कुछ भी नहीं बचेगा और आप भी उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सारा मैनिपुलेशन देख रही हूँ मैं, और लगता है इस मैनिपुलेशन का, इन बातों का कुछ असर आपके पर्सन पे भी हो गया है। तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि शायद आप लगातार इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं जबकि हर्ट आप हैं। आपको अटेंशन की ज़रूरत है और आपको ज़रूरत है अपने फीलिंग्स से डील करने की। तो बजाय इस पर्सन को अप्रोच करने के, या बजाय इस पर्सन के बारे में दिन भर सोचने के, या इनका अटेंशन खींचने की कोशिश करने के, आपको चाहिए कि आप खुद पे फोकस करें इस वक्त, क्योंकि द ओल्डेस्ट वन आपसे कह रहा है। ये आपकी अपनी सोल के बारे में भी है, और कोई ऐसा आपके आसपास भी हो सकता है जो इस वक्त आपको सुन रहा है केयरफुली। आपकी सोल आपसे कह रही है कि
मैंने इस पर्सन को आपसे दूर इसलिए किया है क्योंकि इस पर्सन को कुछ लेसन सीखने हैं। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इन्हें कुछ लेसन सीखने हैं और आपको भी कुछ लेसन सीखने हैं। जैसे कि खुद से ज़्यादा आपको किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है या किसी को इतना नहीं इम्पोर्टेंट बना लेना है कि उसके जाने से आपको ऐसा लगे कि आपकी दुनिया ही पूरी तरीके से बिखर गई है। द ओल्डेस्ट वन के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि फिलहाल ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की, उन लोगों के टच में रहने की जो आपको समझते हैं। कोई आपके घर में ऐसा मैच्योर पर्सन हो सकता है जो आपको सही गाइडेंस दे सके और आपकी बात को सुने पेशेंटली, बजाय आपको जज करने के, आपके दुख दर्द को समझे, और ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक संभाल सकता है। ओके, तो ऐसा अगर कोई आपके आसपास है तो यकीनन आपको आगे बढ़ के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। और अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते तो आप नोट डाउन करके चीज़ों को अपने मन से निकाल सकते हैं और थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए और मन को शांत करने की कोशिश कीजिए इस वीक में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चाइल्ड ऑफ स्पेल्स, एट ऑफ विजन्स, नाइन ऑफ बोन्स, सेवन ऑफ बोन्स एंड द वाइज वुमेन। ओके, तो फिर से हमारे पास है चाइल्ड ऑफ स्पेल्स। मैजिक आपके अंदर है, ओके, ना कि इस पर्सन में। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक मैजिक की तरह खुशियाँ भर देता है या भर देता था, तो याद रखिए खुशियाँ आप क्रिएट करते थे, ना कि ये पर्सन। ओके, एंड ये खुशियाँ आप अब भी क्रिएट कर सकते हैं। एट ऑफ विजन्स के साथ ये जर्नी डेफिनेटली आसान नहीं होगी। यकीनन जितना कहना आसान है उतना करना मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। ये जर्नी लंबी हो सकती है मगर इस जर्नी को तय करना पॉसिबल है। और आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ओके, भले ही कितनी मुश्किल लगे मगर धीरे धीरे एक एक कदम करके ये कंप्लीट हो जाएगी। नाइन ऑफ बूंस के साथ टैरो आपसे कह रहा है जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करते रहिए क्योंकि जल्दी ही आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जो लव आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो कहीं आपके क्लोज ही है। ऐसा नहीं है कि इसी वीक में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल जाएंगे जो आपके लिए परफेक्ट होगा, मगर जल्दी ही आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड यस, चूंकि आधा लवर्स का कार्ड है तो इस पर्सन को वक्त दीजिए, इन्हें खुद को समझने दीजिए, इन्हें खुद को संभालने दीजिए, इन्हें आपके लायक बनने दीजिए। उसके बाद आप नाइन ऑफ बूंस को वैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस पर्सन को वाकई वापस पाना चाहते हैं या ये पर्सन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसे लूज नहीं कर सकते, आप इस रिलेशनशिप को ही चूज करेंगे चाहे कुछ भी हो, तो भी आपको इस वक्त अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना चाहिए। इस पर्सन को अपना वक्त लेने दीजिए ताकि ये क्लियरली सोच पाए। ओके, नाइन ऑफ बूंस के साथ जितना आप खुद पे ध्यान देंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने लिए खुशियाँ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। द वाइज वुमन के साथ आपके आसपास कोई बहुत विजडम भरा हुआ पर्सन है जो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे सकता है, उनकी बात सुनिए। सेवन ऑफ बोन्स के साथ अगर आप देखने जाए तो यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं, तो अभी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ भी आप देख नहीं पा रहे, सब कुछ फ्यूचर में कहीं पीछे है या फ्यूचर में कहीं खोया हुआ है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि बस वेट कीजिए सही वक्त का, ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुलेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके मन के अंदर जो भी है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आपकी स्पिरिट चाहती है आपको हील करना,
ओके ये आपसे आपका हाथ मांग रही है कि मुझ पे भरोसा करो, मेरे साथ चलो एंड मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगा. ओके तो अपने हायर सेल्फ पे भरोसा कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपको सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं. वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं और वो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे. ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.